हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण की दुनिया। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मशरूम और मटर की सब्जी। चलो दोस्तों, देखते हैं कैसे बनती है और इसमें हमने क्या क्या लिया है, पहले हम ये जान लेते हैं। ये हमने मटर लिया है एक कटोरी, और प्याज, लहसुन, मिर्ची और अदरक, टमाटर और ये दही। और इधर जो ये मशरूम है, इसको हमने गरम पानी में थोड़ा सा धुल लिया है और इसको धुलकर रख लिया है। और फ्रेंड, आज इसका पेस्ट हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। पहले हमने डाल दिया थोड़ा सा तेल, अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा। जीरे को हल्का ब्राउन होने देंगे, हल्का ब्राउन हो जाए, जीरा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज और लहसुन। फिर फ्रेंड, इसको थोड़ा सा हल्का हम चला देंगे। प्याज ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको। प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया है फ्रेंड, ये देखिए, बस इतना ही भूनना है, बहुत लाइट ब्राउन करना है। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर। और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। और उसमें हमने अदरक के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं फ्रेंड्स, इसको भी इसी में हम ऐड कर देंगे। और फिर इसको हल्का हल्का चलाएंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर रख गैस को मीडियम फ्लेम पे करे रहेंगे इसको। अब इसके बाद हम प्लेट से ढक देंगे। 2 मिनट बाद फिर इसको हम चलाकर और देखेंगे कि हमारा टमाटर गला है कि नहीं गला है। टमाटर गलने के बाद इसका हम फिर पेस्ट बनाएंगे, अभी आगे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो ये पेस्ट का हमने टमाटो और ये सब बनाया है, देखिए ये जल थोड़ा जल ब्राउन हो गया है, जला नहीं है सॉरी। और अब इसको हम निकाल लेंगे मिक्सर जार में, फिर इसको हम पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको मिक्सर में ले लिया है, भाप निकल रही है। अब इसको हम पीसेंगे, ग्राइंड कर देंगे और इस पे ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन तो लगाएंगे ही, इसके ऊपर ऐसे कपड़ा लगा कर और फिर इसके बाद हम इसको मिक्सर में चलाएंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें भाप निकल रही है तो ढक्कन खुलने की संभावना होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम कढ़ाई में हल्का सा तेल डालेंगे अब डालेंगे इसमें हम हींग और जो पेस्ट बनाया है उसको। हींग जल गई है, अब इसमें हम थोड़ा सा ये पेस्ट डाल देंगे।
और इसको चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक ये पेस्ट तेल छोड़ने ना लगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये इसका कलर थोड़ा अलग लग रहा है और तेल छोड़ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, जो हमने मसाले लिए हैं। मसाले में हमने लिया है धनिया पाउडर और हल्दी और चिली मिर्च, इसको भी हम ऐड करके भून लेंगे। भूनते रहेंगे इसको। देखिए ये भी तेल छोड़ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे और बढ़िया मिक्स करके कम फ्लेम पर इसको भी पकाएंगे हम मुश्किल से एक मिनट। देखिए हमारे पेस्ट का रंग चेंज हो चुका है और तेल छोड़ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटर। फ्रेंड्स, ये ताज़ी मटर है जो अभी इस टाइम आ रही है और बढ़िया सॉफ्ट है। इसको हमको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ इसको पहले उबालें फिर इसको मिक्स करें। अब इसको हम ढक देते हैं, मटर हो जाए हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, मटर डाले एक मिनट हो गया है, एक दो मिनट। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, उसको धुल के पानी। और इसमें ऐड करेंगे जो हमने ये मशरूम उबाली थी और इसको चलाते हुए रफली मिक्स कर देंगे। और इसमें अब ऐड करेंगे सॉल्ट फ्रेंड्स, हमको तो सूखी सब्जी ज़्यादा पसंद है। अगर आपको रसेदार सब्जी चाहिए तो आप रसेदार भी बना सकते हैं। इसमें और पानी ऐड करना होगा। अब इसमें हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब इसको हम ढक देंगे। देखो फ्रेंड्स, आपकी सब्जी होने वाली है और बढ़िया रंग छोड़ रही है। ये देखिए, अभी इसको हमें दो मिनट और पकाना होगा, तब तक इनको हम ढक लेते हैं। फ्रेंड्स, सब्जी बनकर रेडी हो गई है और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड, कितनी प्यारी सी सब्जी बनी है, एकदम थिक। फ्रेंड्स, इसमें मैंने धनिया गार्निश कर दिया है और आपकी सब्जी बनकर रेडी है। आप बनाइए और खाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और मेरी वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।